हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की पहली खबर आ रही है हुआवे की तरफ से। दोस्तों, ऐसा खबर निकल के आया है कि हुआवे एप्पल को ओवरटेक करके वर्ल्ड वाइड सेकंड पोजीशन में पहुंच गया है एज ए सेकंड वर्ल्ड वाइड स्मार्टफोन सेलर। और फर्स्ट पोजीशन पे है सैमसंग, इसका मार्केट शेयर 22% है। और बात कर लेते हैं अगर हुआवे की, जो कि सेकंड पोजीशन में है वर्ल्ड वाइड, उसका मार्केट शेयर है 17%। और एप्पल का तो वक्त ख़राब चल रहा है भैया, 11% है एप्पल का। दोस्तों, आज की दूसरी खबर आ रही है मोटरोला की तरफ से। चाइनीज़ बेंचमार्किंग वेबसाइट में मोटरोला वन एक्शन नाम का एक फ़ोन पकड़ा गया है। दोस्तों, इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो 6.3 इंच हो सकता है, साथ ही साथ 3500 mAh का बैटरी इसमें हो सकता है, 4 GB रैम और 128 GB का स्टोरेज के साथ ये रिलीज हो सकता है। और हाँ दोस्तों, इसमें पंच होल डिस्प्ले भी रहेगा। अब एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है, ये इसका एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन बाहर आने के बाद ही मैं आपको वो बता दूंगा। दोस्तों, अगर आप ऑनर प्ले, ऑनर 8X, इस सब ऑनर के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो अलर्ट हो जाइए, ये दोनों मॉडल यानी ऑनर प्ले और ऑनर 8X में सिक्योरिटी पैच अपडेट जुलाई का आ चुका है। तो आप जाइए, चेक कीजिए और ढकाढक अपडेट कर लीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी पैच बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। और दोस्तों, हुआवे का जो P20 लाइट है उसका अपडेट शायद अगस्त का 13 को आ सकता है। चेक करते रहिए, जब भी मिल जाए अपडेट कर लीजिए। दोस्तों, एज ए इंडियन मुझे बहुत गर्व होता है कि इंडिया क्या कुछ नहीं कर सकता है। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले भी हो रहा था, अभी और भी ज़्यादा हो रहा है। कुछ दिन पहले चंद्रयान 2 भेजा गया, उसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं, उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। अब जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो ही गौर करने वाला है। अब पबजी तो खेलते होंगे, ये इंडियन गेम नहीं है, ये बाहर का गेम है। हम इंडियन कंज्यूमर इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का एक गेम लॉन्च हो चुका है, जो आपको प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह पर मिल जाएंगे। इसमें एज ए कमांडर आप कैसे उसका लाइफस्टाइल होता है, यानी फील्ड में, नॉट हिज पर्सनल लाइफ, फील्ड में कैसा होता है, क्या मतलब कैसे कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, ये सारी चीज़ें उस गेम में हैं। तो दोस्तों, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इस गेम को लेके। अगर आप कहेंगे तो इस गेम का एक वीडियो मैं बना दूंगा, और अगर आप चाहें तो आप खुद भी जाके देख सकते हैं कि गेम कैसा है। अब खबर आ रही है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस 7 Pro वाला जो फ़ोन रिलीज़ हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसका जो ऑक्सीजन अपडेट है वो आना शुरू हो गया है। इनफैक्ट जुलाई के महीने, मतलब इस महीने एक अपडेट आ चुका है, और वो ऑक्सीजन वेस वर्जन है 9.5.11। दोस्तों, इसमें सिक्योरिटी पैच होगा, और भी एक्सीडेंटल टचेस के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, या फिर गेमिंग के टाइम में जो कॉल वगैरह के प्रॉब्लम्स आ रहे थे कुछ कुछ डिवाइसेस में, उन सब का सॉल्यूशन यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों, अगर आप वन प्लस 7 Pro इस्तेमाल करते हैं तो एक बार चेक कर लीजिए, अपडेट मिल जाए तो अपडेट कर लीजिए। अब खबर आ रही है एप्पल की तरफ से। दोस्तों, आईफोन्स में तो एप्पल पेंसिल मिलता नहीं है, ये आपको पता ही होगा। एप्पल पेंसिल नॉर्मली सपोर्ट करता है आईपैड्स को, तो ऐसी खबर निकल के आ रही है कि अब से आईफोन्स में भी एप्पल पेंसिल का सपोर्ट मिलेगा। अब वो पेंसिल कैसा होगा, वो आईपैड वाला पेंसिल ही इसमें सपोर्ट करेगा या नहीं, या इसमें अलग सा होगा, छोटा वाला होगा, क्योंकि फ़ोन इतना साइज़ होगा और आईपैड का जो पेंसिल होता है वो इतना बड़ा होता है। तो डिटेल्स आने पर मैं आपको और भी जानकारी दे दूंगा। अब एक बहुत एक्साइटिंग खबर आ रही है दोस्तों, Vivo Z5, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि ये चाइना में लॉन्च होने वाला है, हालांकि वो चाइना में लॉन्च हो चुका है और इसका बहुत सारी स्पेसिफिकेशन बाहर आ चुकी है। ये स्नैपड्रैगन 712 के साथ आएगा। इसका जो डिस्प्ले साइज होगा वो होगा 6.38 इंच का, 4500 mAh का बैटरी होगा इसमें। प्राइसिंग है, 6 GB 64 GB वाला जो है वो चाइना के प्राइस में
1598 yuan यानी इंडियन प्राइस में 16,000 रुपीज़। और दूसरा जो वेरिएंट है 6 GB रैम प्लस 128 GB का स्टोरेज, इसका चाइनीज़ प्राइस है 1898 yuan। इंडियन प्राइस में ये आएगा शायद 19,000 रुपीज़ में। और तीसरा जो वेरिएंट है वो है 6 GB रैम 256 GB स्टोरेज, इसका चाइनीज प्राइस है 1998 yuan। और इंडियन प्राइस में ये होगा 20,000 के आसपास। और चौथा और लास्ट वेरिएंट जो है इस मॉडल का 8 GB रैम के साथ आएगा, 256 GB स्टोरेज के साथ आएगा, और इसका चाइनीज प्राइस है 2,298 yuan, और इसका इंडियन प्राइस होगा शायद 23,000 के आसपास। दोस्तों ये इंडिया में कब रिलीज़ होगा इसका कुछ अपडेट निकल के नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगता है शायद अगस्त का थर्ड जो महीना है यानी थर्ड क्वार्टर के आसपास ये रिलीज़ हो सकता है। दोस्तों अब खबर आती है हुआवे की तरफ से। हुआवे का जो नया फ़ोन इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो अमेज़ॉन में सेल स्टार्ट होने वाला है 7 अगस्त से। उसका टीजर पेज अमेज़ॉन में रिलीज़ हो चुका है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर किरिन 710 का प्रोसेसर होगा, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले होगा, 3 रियर कैमरे होंगे, फ्रंट कैमरा पॉप अप सेल्फी वाला होगा, और इसका बेस वेरियंस शुरू होता है 15,990 रुपीज़ से। कुछ ऑफर्स आपको मिल जाएंगे SBI के जो क्रेडिट कार्ड से उनके ऊपर, अमेज़ॉन पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ ऑफर्स आपको मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगली खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का गैलेक्सी A70 में 619 MB का एक अपडेट आ चुका है, जिसमें लो लाइट फोटोग्राफी का इम्प्रूवमेंट किया गया है, नाइट मोड होगा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ट है इस नए अपडेट में। तो दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपडेट जल्दी से कर लीजिए, लो लाइट फोटोग्राफी का मज़ा लीजिए, नाइट मोड का मज़ा भी लीजिए। दोस्तों अगली खबर आ रही है स्नैपडील की तरफ से। स्नैपडील का एक टीम नवंबर के 2018 से एक सर्वे स्टार्ट किए थे सेलर्स के ऊपर, जैसे कि कितने सेलर्स बुरी चीज़ें बेच रहे हैं, फेक चीज़ें बेच रहे हैं, डुप्लीकेट चीज़ें बेच रहे हैं, उन सब सेलर्स को 8 महीने से स्नैपडील का वो टीम उन्होंने चेक किया, और 8 महीनों में 8,000 सेलर को उन्होंने अनरजिस्टर्ड कर दिया अपने साइट से। तो दोस्तों सोचिए ज़रा स्नैपडील का आज ये कंडीशन कैसा है, क्यों है? हालांकि जब हम लोग खरीदते थे तो शायद ये सेलर भी उस टाइम पे थे, है ना? तो स्नैपडील का आज जो हालत है शायद उन वजह से हुआ है, और शायद स्नैपडील को ये जो स्टेप आज स्नैपडील उठाया है ये शायद पहले उठाना चाहिए था। दोस्तों अगली खबर आ रही है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक एक नया टेक्नोलॉजी इनोवेट करने में लगा हुआ है UCSF के साथ मिलकर। ये UCSF है सैन फ्रांसिस्को का एक मेडिकल रिसर्च कंपनी। तो इनका पूरा नाम है UC सैन फ्रांसिस्को। ये नए नए इनोवेशन लाते रहते हैं मेडिकल फील्ड में, तो उनके हेल्प से फेसबुक एक एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी ला रहा है जिसके ज़रिए आप सिर्फ सोचेंगे और कंप्यूटर में आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप सोचेंगे उसी थॉट को वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली टाइप करता रहेगा, ऐसा टेक्नोलॉजी लाने वाला है। ऐसा टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च चालू है, हालांकि रिसर्च बहुत दिनों से चालू हुआ है, तो अभी तक ये रिसर्च चल रहा है, ये छोटी मोटी इनोवेशन नहीं है, तो टाइम तो लगेगा दोस्तों। तो अभी तक का ये इतना ही खबर निकल के आया है। अगली और बड़ी खबर है सैमसंग गैलेक्सी का जो स्मार्ट वॉच है, सैमसंग गैलेक्सी स्मार्ट वॉच एक्टिव 2। ये इसका जो लॉन्चमेंट, मैंने पिछले एपिसोड में आपको ऐसा कहा था कि थोड़ा शेड्यूल इधर उधर हो गया, तो अभी सामने आ चुका है कि सैमसंग का जो गैलेक्सी वॉच एक्टिव 2 है ये शायद लॉन्च होने वाला है 5 अगस्त के आसपास, और गैलेक्सी नोट 10 और नोट 10 प्लस ये लॉन्च होने वाला है उसके 2 दिन बाद 7 अगस्त के आसपास। तो दोस्तों आज का टेक खबरी का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, खुश रहिए दोस्तों।